Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. लॉकडाउन के चलते देश को लोगों के मनोरंजन के लिए 33 साल बाद फिर से रामायण का प्रसारण टीवी पर शुरू किया गया था। इस सीरियल ने टीवी पर आते ही धमाल मचा दिया और कई बड़े टीवी शो को टीआरपी में पछाड़ दिया। पुराने जमाने के लोगों के साथ नए जमाने के लोग भी इस सीरियल के फैन बन गए हैं। एक बार फिर रामायण के प्रसारित होने के कारण इसके किरदारों के बारे में जानने में लोगों को काफी दिलचस्पी हो गई है। रामायण के कई कलाकार आज के समय में फैंस से सोशल मीडिया से जुड़ गए हैं और आए दिन तस्वीरें और पोस्ट शेयर करते हैं। हाल ही में रामायण में सीता बनी दीपिका चिखलिया ने इस शो को लेकर अपना दर्द बयां किया है। सीरियल रामायण में सीता मां बनकर घर घर पहचाने जाने वाली दीपिका चिखलिया दर्शकों के प्रेम से उत्साहित है। हाल ही में एक अखबार में उन्होंने इस शो से जुड़ी कई बातें कही। दरअसल कुछ समय पहले ही केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रामायण के निर्माता रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर को एक धन्यवाद पत्र लिखा था। इस पत्र में उन्होंने लिखा था कि नई पीढ़ी के लिए रामायण वरदान साबित हुआ है। बता दें कि एक बार फिर रामायण के प्रसारण शुरू होने से नई पीढ़ी के बच्चों ने भी इस सीरियल को देखना शुरू कर दिया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए दीपिका ने अपनी बात कही। दीपिका ने कहा कि दर्शकों ने तो खूब प्यार दिया, लेकिन उस वक्त सरकार की ओर से काफी बेरुखी दिखाई गई। हमें ना तो इस शो के लिए कभी नेशनल अवार्ड मिला और ना ही कोई पद्म सम्मान। दीपिका ने आगे कहा कि जिस वक्त हम रामायण की शूटिंग करते थे उस वक्त की जो फीस हमें मिलती थी वो उस समय भी बताने में शर्म आती थी और आज भी बताने में शर्म ही आती है। दीपिका ने कहा कि रामायण को एक बार फिर दर्शकों का प्यार इसलिए मिला क्योंकि उस दौर में धारावाहिक से जुड़े हर एक व्यक्ति ने बहुत मेहनत की थी। आपको बता दें कि रामायण में मां सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया को 20 लाख रुपए की फीस दी गई थी। दीपिका ने कहा कि हम सभी कलाकारों ने पैसे के लिए कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे दर्शकों को भावनात्मक रूप से चोट पहुंचे। उन्होंने आगे अपनी बात कहते हुए कहा कि हम अवार्ड मांग नहीं रहे हैं, लेकिन इस बात पर ध्यान जरूर ले जाना चाहेंगे कि अब मोदी सरकार ने जिस तरह से रामायण सीरियल को एक बार फिर से दुनिया के सामने लाने का काम किया है, आगे मोदी जी को लगे कि रामायण की टीम ने कल्चर और लिटरेचर में कुछ काम किया है तो हमें पद्म सम्मान देने के बारे में सोचे। गौरतलब है कि इससे पहले सीरियल में श्रीराम का रोल निभाने वाले अरुण गोविल ने भी कहा था कि उनके काम को लेकर सम्मान मिलना चाहिए।